गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पर अपन लोगों ने मनु ने राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत बताया है उसको डिस्कस किया था, जिसमें अपन ने ये देखा था कि मनु के अनुसार राज्य की उत्पत्ति का जो आधार है वो दैवीय उत्पत्ति का आधार है। लेकिन मनु के द्वारा राज्य की दैवीय उत्पत्ति के आधार में और पश्चिम में जो राज्य की उत्पत्ति का दैवीय आधार है उसमें हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। पश्चिमी विचारकों के द्वारा राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय आधार प्रदान किया गया उसमें राजा को एब्सोल्यूट पावर्स प्रदान की जा रही हैं, जिसको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रकार से उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। मनु ने राजा और राज्य, चूंकि वो एक तरीके से इसको पर्यायवाची टर्म में इस्तेमाल कर रहा है, तो यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति के दैवीय आधार के पीछे जो मनु का तर्क है वो ये कि जिस प्रकार से इन विभिन्न देवी देवताओं के द्वारा जो उनके कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है, उनका कार्य संपादित किया जाता है, राजा को उन्हें उन कार्यों को संपादित करना है। इसके बाद हम लोग लेने जा रहे हैं कि मनु ने राज्य के कौन कौन से अंग बताए हैं। इसमें हम कहेंगे कि मनु के द्वारा राज्य के जिन अंगों का वर्णन किया गया है, मनु के द्वारा राज्य के जिन अंगों का हवाला दिया गया है, उन्हें हम राज्य के सप्तांग सिद्धांत के नाम से जानते हैं, उन्हें हम राज्य की सात प्रकृतियों के नाम से जानते हैं। और इसको हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि मनु ने सबसे पहले स्वामी मीन्स किंग को रखा है, दूसरे नंबर पर मंत्री, तीसरे पर पुर अर्थात किला, चौथे स्तर पर राष्ट्र, पांचवें पर कोष, छठे पर दंड या सेना और सातवें और आखिर में मित्र को रखा है। स्वामी मीन्स किंग, मनु ने राजा को स्वामी की संज्ञा दी है, जिसका अभिप्राय यह है कि संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च स्थिति प्राप्त होती है। इसीलिए नैतिक गुणों, प्रशासनिक क्षमता तथा दायित्वों के प्रति निष्ठा से युक्त राजा को राज्य के लिए मनु ने आवश्यक माना है। दूसरा जो अंग है मंत्री मिनिस्टर्स, मनु के अनुसार राजा अकेले ही प्रशासन का संचालन नहीं कर सकता, उसे अपने कार्य के सफल संचालन के लिए कुशल और योग्य मंत्रियों की जरूरत होती है। दूसरे, मंत्रियों को राज्य की प्रकृति में स्थान दे करके मनु ने ये स्पष्ट किया है कि शासन की जो शक्तियां हैं वो राजा की निजी शक्ति नहीं है, अपितु ऐसी संस्थागत शक्ति है जिसका प्रयोग राजा सुयोग्य मंत्रियों के माध्यम से ही कर सकता है। तीसरे नंबर पर मनु ने पुर को रखा है, और हम इसको यदि तुलनात्मक रूप में कहें तो ये कह सकते हैं कि कौटिल्य ने जिसको दुर्ग का नाम दिया है, मनु ने उसको पुर का नाम दिया है। और पुर का अर्थ है किला, परकोटे नुमा राजधानी, और ऐसी एक सुरक्षित जगह जहां पर आसपास खाई से प्राकृतिक नहरों से घिरी हुई ऐसी राजधानी है जो भली भांति सुरक्षित हो। और मनु के अनुसार पुर पूर्णतया सुरक्षित होना चाहिए, और इसके लिए मनु ने पुर की कई श्रेणियां बताई हैं, जैसे धानवन दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग एवं गिरी दुर्ग। चौथे स्तर पर मनु ने राज्य या राष्ट्र को रखा है। ऐसे तो राज्य के एक अंग के रूप में ही राज्य का राष्ट्र का उल्लेख करना भ्रम उत्पन्न करता है, लेकिन मनु ने राज्य शब्द का प्रयोग उस अर्थ में किया है जिस अर्थ में कौटिल्य जनपद शब्द का प्रयोग करता है। यहाँ पर राज्य शब्द से अभिप्राय राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि से है, वहाँ पर निवास करने वाली जनता से है।
कौटिल्य ने भी जनपद शब्द का प्रयोग राज्य के अंग के रूप में किया है और जनपद में राज्य की भूमि और उसमें निवास करने वाली जनता दोनों को सम्मिलित किया है। पांचवें अंग के रूप में मनु कोष को रख रहा है, ट्रेजरी को रख रहा है। मनु के अनुसार कोष किसी भी राजनीतिक व्यवस्था का एक अनिवार्य और महत्वपूर्ण अंग है। मनु की ये मान्यता है कि राजा के पास जब तक समुचित मात्रा में कोष नहीं होगा, वह प्रजा की सुरक्षा का कार्य, प्रजा के कल्याण का कार्य, राज्य की सुरक्षा का कार्य और विभिन्न प्रकार के जितने भी राजा और राज्य से जुड़े हुए दायित्व हैं, वह उनकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। इसीलिए राजा के पास पर्याप्त मात्रा में कोष का होना जरूरी है, जिससे कि न केवल वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे, बल्कि आकस्मिक रूप में किसी भी प्राकृतिक अप्राकृतिक आपदा संकट यदि राज्य के ऊपर आता है तो वह उसका भी समाधान कर सके। छठे अंग में मनु ने दंड को रखा है और दंड का अभिप्राय पनिशमेंट नहीं है, दंड से अभिप्राय सेना से है और दंड का आशय राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति से है, अर्थात सेना से है। मनु ने राज्य की सुरक्षा के लिए सेना के अनेक अंग, हस्त सेना, रथ सेना, अश्व सेना, जल सेना और पदाति सेना का उल्लेख किया है और राजा को ये परामर्श दिया है कि वह सेना के सभी अंगों को सुदृढ़ रूप में बना करके रखे, जिससे कि किसी भी प्रकार की संकट, किसी भी प्रकार की समस्या का सामना राजा को ना करना पड़े। अंतिम अंग के रूप में हम मित्र को ले रहे हैं और मित्र का आशय है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राज्य के मित्रों का होना या एक राज्य का अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का होना। मित्र को राज्य के एक अनिवार्य अंग के रूप में मानकर मनु ने दो तथ्यों की तरफ इशारा किया है। नंबर एक, कोई भी राज्य शून्य में नहीं रह सकता, उसे दूसरे राज्यों से संबंध अनिवार्य रूप से बनाने ही होते हैं। नंबर टू, राज्य को अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ये प्रयत्न करना चाहिए कि उसके अन्य राज्यों से संबंध मैत्रीपूर्ण रहें। और इस प्रकार से मनु ने मित्र को राज्य की सप्तांग प्रकृतियों में स्थान देकर के राज्य के द्वारा शांति की नीति को अपनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है। मनु ने इन प्रकृतियों के निर्धारण में उनकी सापेक्षिक महत्ता को तवज्जो दी है, या जिसको हम ये कहें कि मनु ने इन प्रकृतियों का निर्धारण उनकी सापेक्षिक महत्ता के आधार पर किया है, लेकिन इसके साथ ही उनमें इंटरडिपेंडेंसी, उनमें पारस्परिकता का सिद्धांत भी झलकता है। ये सब प्रकृतियाँ एक दूसरे पर निर्भर हैं और इनमें से प्रत्येक प्रकृति राज्य के लिए आवश्यक है। बिना एक अंग के हम दूसरे अन्य अंगों की सफलता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो मनु स्मृति के सप्तम अध्याय में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि जिस कार्य विशेष की सिद्धि किसी भी प्रकृति विशेष से संभव होती हो, उस प्रकृति को उस विशिष्ट कार्य के संदर्भ में श्रेष्ठतम माना जाना चाहिए। अब राज्य की उत्पत्ति को लेकर के, उसके सप्तांग सिद्धांत को लेकर के एग्जाम्स में जो सवाल पूछा जाता है उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति के विषय में मनु के विचार का परीक्षण कीजिए। दूसरा जो सवाल इस पे बनता है वो ये कि मनु के द्वारा प्रतिपादित राज्य के सप्तांग सिद्धांत की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग लेंगे कि मनु ने राजा के और राज्य के क्या कार्य बताए हैं।
थैंक यू।